हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है पनडुब्बी में हमारे सैनिकों की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है देखकर आंख भर जाएगी। हाउ सोल्जर सर्वाइव एब्सोल्युटली। इससे पहले कि इस वीडियो को देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी देश की सेना थल, जल और वायु सभी जगहों से हमारे देश भारत की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चौकन्ने और तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ सैनिक ऐसे भी है जो 24 घंटे दिन रात थल या वायु के बजाय समुद्र के हजारों फीट नीचे से देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये वो नाविक है जो पनडुब्बियों के अंदर कई महीनों तक रहकर भारत की सेवा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय नौसेना की जिंदगी पनडुब्बी में कैसी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे भारतीय नौसेना पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दो स्तरों पर होती है, एक पानी के ऊपर और दूसरा पानी के नीचे रहकर। दोस्तों, समुद्र के हजारों फीट नीचे देश की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना के कुछ सैनिकों को सबमरीन यानी पनडुब्बी में तैनात किया जाता है। भारतीय नौसेना के इस कठिन सेवा के लिए सैनिकों का चयन अलग अलग डिवीजन से उनकी अपनी इच्छा, ट्रेनिंग और मेडिकल के अच्छे प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। पनडुब्बी में तैनात इन नौसैनिकों का जीवन काफी कठिन परिस्थितियों में होता है। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी पनडुब्बी में काफी कठिन होती है। जब ये किसी मिशन में जाते हैं तो परिवार वालों को ये भी पता नहीं रहता है कि वो कहाँ और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। परिवार वालों को बस इतना पता रहता है कि वो देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं और इसके अलावा इन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। जब ये नाविक पनडुब्बी के अंदर होते हैं तो इन्हें नहाना तो दूर, अपनी दाढ़ी बनाने का भी मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, किसी भी देश के नौसेना का घातक हथियार पनडुब्बी को ही माना जाता है। पनडुब्बी पानी के नीचे और पानी के ऊपर दोनों जगह चल सकती है। इन नाविकों का मुख्य काम समुद्र की गहराई मापना और दुश्मनों के ऊपर नजर रखना होता है। ये पनडुब्बियां टॉरपेडो, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से भी लैस होती है, जो इन्हें दुश्मनों के लिए काफी घातक बनाती है। पनडुब्बी में तैनात सैनिक किसी के नजर में आए बिना ही दुश्मनों के घर में घुसकर निष्ठाबूत करके वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये सैनिक पनडुब्बी के अंदर होते हैं तब इन्हें कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किसी मिशन को अंजाम देने के लिए पनडुब्बी के साथ नौसैनिक जैसे ही समुद्र के हजारों फीट की गहराई में जाते हैं, वैसे ही उनका बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है। ऐसे मिशन एक महीने से लेकर 8 महीने तक चलते हैं। इस दौरान इनका अपने परिवार से भी कोई संपर्क नहीं रहता है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चारों तरफ से समुद्र में घिरे होने के बावजूद भी पनडुब्बी में सवार नाविक कई कई दिनों तक नहीं नहा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मिशन खत्म होने के बाद पानी के ऊपर आकर इन नाविकों को अच्छे से नहाने का मौका मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पनडुब्बियों में हमेशा पानी की कमी होती है और हर नाविकों को हर दिन 2 से 3 मग ही पानी मिलता है। पनडुब्बी में तैनात सैनिकों को पहनने के लिए डिस्पोजेबल कपड़े दिए जाते हैं, जिसे 2 से 3 दिन बाद उतार कर फेंक दिया जाता है। इन कपड़ों पर एक खास तरह का केमिकल लगाया जाता है जो नाविकों को बिना नहाए भी कीटाणु और बीमारियों से दूर रखता है। पनडुब्बी में सभी सैनिकों को एक ही तरह के कपड़े पहनने को दिए जाते हैं, चाहे वो पनडुब्बी अधिकारी हो या आम सैनिक। पनडुब्बी में रह रहे सैनिकों को कई महीनों तक सूरज की रोशनी दिखना भी नसीब नहीं होता है, जिसकी वजह से जब वो समुद्र के ऊपर आते हैं तो उन्हें हाथ पैर के जोड़ों पर जकड़न जैसा महसूस होता है। इतना ही नहीं, इन नाविकों को पनडुब्बियों में खाने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। खाने के लिए इन्हें रोटी, चावल, बिना तड़के वाली दाल और कम मसाले वाली सब्जी दी जाती है। इन नाविकों की खाने की चीजें ताजा नहीं होती, बल्कि इन्हें खाना टीन पैक डब्बों में मिलती है। खाने का सामान भी सीमित मात्रा में होता है। पनडुब्बी में खाना बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा धुआं ना उठे, इसलिए खास तौर से सादा खाना बनाया जाता है। अगर कोई मिशन तय समय से ज्यादा दिन चलता है तो उन्हें पनडुब्बी में रखे खाने से ही काम चलाना पड़ता है। जब भी पनडुब्बी समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और चिकित्सा का सामान साथ होता है, ताकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी होती है तो उन नाविकों का तुरंत इलाज किया जा सके। पनडुब्बी के अंदर इतने सारे उपकरण होने के कारण अंदर सोने की जगह काफी कम और अधिक गर्म होती है, इसलिए पनडुब्बी के अंदर सैनिकों के सोने के लिए शिफ्ट लगाई जाती है। मिशन के दौरान इन नाविकों को 5 से 6 घंटे तक ही सोने को मिलता है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नाविक काफी कठिन परिस्थितियों में पनडुब्बी के अंदर अपना जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, इन नौसेनाओं के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हिंद तो बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सभी को पता चल सके कि इन भारतीय जवानों की जिंदगी कितनी कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरती है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ नई बातें पता लगी हैं जो काफ़ी लॉजिकल हैं, जो पहले सोची नहीं थी। अब अगर आप कभी शिप में नहीं गए
तो वो दूसरी बात है, आप खुद जाना चाहिए, शिप में कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा लेना चाहिए। मगर जैसे मैं, हम लोग शिप में रह चुके हैं 14 दिन के लिए, सिर्फ 14 दिन, और उसके बाद ही, मतलब आप बोल सकते हैं 3-4 दिन में ही हमें पता चल गया था कि सी सिकनेस क्या होती है। एक तो शिप हिलता रहता है, उसके बाद जो है आप जो हैं कहीं जा नहीं सकते। हाँ, ऊपर आप डेक में जा सकते हैं, चल सकते हैं, बाहर देख सकते हैं, मगर फिर भी आपको पता होता है कि आप बंद हैं अंदर ही अंदर। खाना डेफिनेटली आपको काफ़ी मिलता है, मगर अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, परंतु अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत इशू बन जाता है कि क्या करा जाए। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, जैसे हम लोग एक बार गए थे और किसी एल्डरली इंसान को हार्ट अटैक आ गया था, तो उनको जो है पूरे शिप को वापस लेके जाना पड़ा और हमें वापस जाना पड़ा जहाँ से शुरू हुए थे। वहाँ पे उन भाई साहब को जो है ड्रॉप किया गया, उसके बाद शिप वापस आया और उसी चक्कर में शिप बहुत तेज़ी से गया और लोगों को और चक्कर आया, उल्टियाँ आई। तो आप उसी से सोच सकते हैं, अब ये सबमरीन की बात हो रही है, पनडुब्बी जो पानी के नीचे है, तो सबसे बड़ी बात तो होगी कि अंधेरा। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप विंडो ओपन करें और आपको दिन का उजाला नजर आ रहा हो, तो पहली बात तो ये हो गई कि बाहर पूरा अंधेरा है। ठीक है, आपके अंदर जो है लाइटें लगी हैं वो बात अलग है, मगर बाहर अंधेरा है। अब इसमें लोग कहीं डर भी सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इनको वो देखने पड़ेंगे सोल्जर्स जो घबराए ना, इनको घबराहट ना हो कि अरे मैं चारों ओर से घिरा हुआ पानी से। अब ये दूसरी बात, ये खाने की, ऑफकोर्स खाना बनेगा कैसे, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो है नहीं और आप इतना धुआं कर नहीं सकते, और कैसे आप पानी के थ्रू निकालेंगे इतने सारे धुएं को, ये सब कैसे एग्जॉस्ट निकालेंगे, आप पानी के अंदर हैं। तो ऑब्वियसली खाना सिंपल ही होगा और वही खाना होगा जो लंबे समय तक आप यूज़ कर सकें, जो स्टोरेज में होता है, जो आपने निकाला और आपने उसे गर्म किया या माइक्रोवेव में डाला, जो भी किया और खाया। तो देखिए, खाने की वैरायटी कम हो जाएगी, प्लस लिमिटेड खाना है आपके पास। अगर खाना ख़त्म हो जाए तो आपको वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो लिमिटेड खाना है, राशन लिमिटेड है ऑफकोर्स, और जो है खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, फ्रेश खाना ज़्यादा नहीं मिल सकता। और फिर जो कह रहे हैं कि वहाँ नहा नहीं सकते, ऑफकोर्स कि आप पानी के अंदर पनडुब्बी है, तो ऐसा सिस्टम तो नहीं है कि फ्रेश वाटर आपको मिल सके नहाने का, वो तो आपको कैरी करना पड़ेगा। फ्रेश वाटर अगर आप कैरी कर रहे हैं फ्रेश वाटर, तो आप कितना नहा सकते हैं, उसकी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। और सिमिलर शिप में भी प्रॉब्लम आती है कि शिप में फ्रेश वाटर नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा नहा नहीं सकते। और दूसरा, क्योंकि एक सबमरीन में लिमिटेड साइज़ होता है सबमरीन का, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा अनलिमिटेड साइज़ हो, नहीं, तो आपको सबमरीन का साइज़ थोड़ा छोटा है, उसमें इक्विपमेंट बहुत है, तो ऑफ कोर्स सोने की जगह भी कम है। तो देखिए, सोने की जगह कम है, आप कम समय के लिए सो सकते हैं, आराम से नहीं सो सकते। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को बहुत एक्सरसाइज मिल रही है, ऐसा नहीं है कि आप भाग सकते हो, छोटे छोटे रास्ते बने होंगे, आपको 24 घंटे बैठना है, तो एक्सरसाइज कम हो रही है, तो काफ़ी, मतलब काफ़ी जोखिम वाला कार्य है। और डेफिनेटली जय हिंद जिन हमारे सोल्जर्स को जो ये ड्यूटी कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो होती है सबमरीन, काफ़ी लीथल वेपन है, क्योंकि पानी के अंदर है, आप वहाँ से टॉर्पीडो फेंक के पूरे शिप को गिरा सकते हैं, ऊपर जो हैं हेलीकॉप्टर्स हैं उनको उड़ा सकते हैं, तो काफ़ी, और होती भी सबमरीन्स बहुत कॉस्टली हैं और जान का खतरा भी। अगर मान लीजिए कहीं पर सबमरीन को कुछ हो जाए तो आप क्या होगा, पानी अंदर आएगा, अगर ऊपर जाते हैं तो आप एक्सपोज हो जाएंगे, तो काफ़ी जोखिम का कार्य है। तो बहुत अच्छा वीडियो था, काफ़ी नॉलेज मिली है और काफ़ी एप्रिसिएशन आया है, काफ़ी आपको लगता है कि बहुत कमाल की बात है कि हमारे सोल्जर्स जो हैं कितना बलिदान दे रहे हैं अपनी धरती के लिए। तो बहुत अच्छा वीडियो था, और वापस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।